आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग है। मैं तो साथियों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा एक और महत्वपूर्ण जानकारी की। साथियों आपको जिस भर्ती का इंतज़ार था, जो स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड बॉय का सपना देख रहे थे, उनके लिए सोने पे सुहागा ये भर्ती होने वाली है। तो साथियों नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो साथियों ये जो भर्ती आई है ये जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर के द्वारा बहुत अच्छी पोस्टों पे भर्ती निकली है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती रहेगी, जिसमें 256 पोस्टें शामिल की गई है। वहीं वार्ड बॉय की बात करें तो 74 पोस्ट शामिल की है। कुल मिला के 330 पदों पर ये भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है। और साथियों प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा ये भर्ती होने वाली है। और इसमें साथियों अभी सैलरी का कोई बताया नहीं है कि क्या सैलरी मिलने वाली है, और ना ही कोई एज क्राइटेरिया है, ना ही कोई फॉर्म फीस है। साथियों केवल आपको मेल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो मेल करना है, और सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपको इस पते पर मेल करना है। साथियों आवश्यकता अजमेर संभाग के राजकीय चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज हेतु निम्नलिखित पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नर्स ग्रेड द्वितीय सेकंड वांछित योग्यता। साथियों इसमें एमएससी नर्सिंग वाले, बीएससी नर्सिंग वाले, जीएनएम वाले और डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से वह वेद आरएनसी रजिस्टर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथियों जिनके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है और जिन्होंने जीएनएम बीएससी एमएससी कर रखी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथियों और मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती होने वाली है, और राजस्थान के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का अभी तक एक्सपीरियंस का कोई नहीं बताया, ना ही कोई एज क्राइटेरिया बताया। साथियों सीधा आपको अपना मेल आईडी खोलना है और उस पर मेल आपको हमारा टेलीग्राम चलना है। साथियों ये हमारा टेलीग्राम चलना है साथियों नर्सिंग एम नाम से, जिसमें हमने मेल है वो प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये मेल आपको कॉपी करना है और अपना मेल आईडी ओपन करना है। जिस मेल आईडी ओपन करने के बाद इस मेल आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट है पहले परफॉर्मा बना लेना, चाहे आप गूगल पर सर्च कर लेना रिज्यूम नाम से एक परफॉर्मा डाउनलोड कर लेना। उस पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी जानकारी साथियों आपको कोई नहीं देगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जिससे आप मेल करोगे वो ईमेल आईडी, घर का परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर अच्छे से लिखना, जो आपके परमानेंट मोबाइल नंबर है, अपनी क्वालिफिकेशन सारी उस परफॉर्म में आपको लिखनी है, चाहे आप प्लेन पेपर पे भी सारी जानकारी लिख सकते हैं वो लिखनी है। फिर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट कंप्यूटर में कर रखा है, आर के सी एल, अपने जीएनएम है तो जीएनएम की सारी मार्कशीट, बीएससी है तो बीएससी की मार्कशीट, एमएससी है तो एमएससी की सारी मार्कशीट, और डिप्लोमा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारे आपको एक पीडीएफ बना लेना है और इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। तो साथियों ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको idvinder2017@gmail.com। साथियों ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी मेहनत को लाइक जरूर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई जानकारी प्राप्त कर आप नई नई जानकारी है वो प्राप्त करते रहें। और साथियों वार्ड अटेंडेंट का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी 74 पोस्टें निकल गई है, उनके लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई है और हिंदी भाषा की जानकारी मांगी गई है, और जॉब है वो आउटसोर्सिंग बेसिक के माध्यम से वो लिए जाएंगे। साथियों ये मेल है, अपने संपूर्ण दस्तावेज जैसे हमने आपको बताया वो सारे दस्तावेज का एक पीडीएफ है वो आपको बनाना है और इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इस नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं 8442761228005636441। ये संपर्क नंबर है 11 से दोपहर 2 बजे तक
आप इस पे कोई भी समय चाहे तो आप इन पे संपर्क भी कर सकते हैं। 11 से 2 बजे का टाइम है साथियों, संडे का ऑफ है और पन्नादा सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा ये भर्ती होने वाली है साथियों, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा ये भर्ती होने वाली है। 408 MR टावर हाथी पोल उदयपुर की कंपनी के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर और वार्ड अटेंड की ये बम्पर भर्ती होने वाली है साथियों। 256 पदों पे और 74 वार्ड बॉय पे, तो साथियों कुल मिला के 330 पदों पर ये भर्ती होने वाली है साथियों। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आपको जो भर्ती का लिंक है, ईमेल आईडी है, वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप कॉपी करके जल्दी से जल्दी है वो फॉर्म भर दीजिए साथियों। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जो मेडिकल कॉलेज है वो करेगी। उसके बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा, चाहे ईमेल के माध्यम से या अपने जो परमानेंट एड मोबाइल नंबर दोगे उसके माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपको कब आना है। तो साथियों अभी तक आगे क्या प्रोसेस नहीं आया है कि इंटरव्यू बेसिस पे होगा या मेरिट बेसिस पे ये भर्ती होने वाली है, या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा परसेंटेज बेस पे अभी तक, और ना इसमें अभी तक बताया कि जिन्होंने कोविड में काम किया है उनको बोनस अंक दिया जाएगा, और ना ही एज क्राइटेरिया दिया है कि किस एज से किस एज तक फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल आपको भेजना है, कुछ ही नहीं करना है, अपने मोबाइल में जीमेल ओपन करना है, इस मेल को कॉपी करना है जैसा हमने बताया, सारों का PDF बना लेना है और सेंड कर देना है। तो साथियों 5 मिनट का टाइम है और 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाएगा। तो साथियों अपने सपनों की उड़ान भरिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बेरोजगार और स्टूडेंट को भी इसका लाभ उठा सकें और वो अपने सपनों की उड़ान भर सकें। तो साथियों सोने पे सुहागा ये भर्ती रहने वाली है, राजस्थान में भर्तियों का पिटारा खुल चुका है और साथियों UTV बेसिस पे 522 रेजिडेंट डॉक्टर सॉरी MBBS के लिए मेडिकल ऑफिसर की भर्ती आ रखी है। बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा में 522 पदों पर ये भर्ती होने वाली है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे। उसकी अपडेट भी हमने अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी थी अपनी वीडियो के माध्यम से साथियों। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उस कॉल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप अपने सपनों की उड़ान पूर्ण कर सकें। तो साथियों ऐसी और जानकारी प्राप्त करते मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।